हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक नया कोर्स गूगल सीट के बारे में। जी हाँ, हमने एक्सेल की ट्रेनिंग दी है, एक्सेल के ऊपर बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं। हम बात करेंगे गूगल सीट के बारे में। तो हमारे चैनल पे आप बने रहें, मेरे वीडियोज पे बने रहें और मेरे साथ गूगल सीट की पूरी क्लासेस लें। गूगल सीट या गूगल स्पेस शीट जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह होता है। आप ये कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नकल की गई है इसमें, कि मोस्टली फॉर्मूले वहाँ पे मिलेंगे आपको। हाँ, गूगल शीट में कुछ नए फॉर्मूले भी हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक्सेल भी कॉपी किया गया, कुछ नए चीज़ भी। तो गूगल शीट कैसे ओपन करेंगे, उसके लिए आपको गूगल पे जाना होगा और गूगल का ड्राइव खोलना होगा। ध्यान रखिएगा, गूगल शीट को मैनेज करने के लिए गूगल ड्राइव खोलना होगा। और ये ध्यान रखिएगा, गूगल शीट पे जो भी फाइल क्रिएट होती है वो सारी ऑनलाइन होती है। आप ऑफलाइन वर्क कर सकते हैं लेकिन वो स्टोर ऑनलाइन ही होती है, इसको सेव करने के लिए ऑनलाइन ही चाहिए। तो ये सामने आपके सामने मेरा गूगल सीट आपको खुला हुआ है, मेरे जो भी फाइल वगैरह इसमें पहले से पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास ऑनलाइन लोकेशंस मिला हुआ है 15 GB का। आप 15 GB तक का डेटा गूगल स्टोर में फ्री में, गूगल के ड्राइव में फ्री में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इससे ज़्यादा डेटा स्पेस चाहिए तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, स्टोरेज को परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम कंप्यूटर्स में क्लिक करेंगे तो आप हमारा कंप्यूटर्स नो कनेक्ट कंप्यूटर्स नहीं कराता है, कंप्यूटर से भी जो सेक्योर कर सकते हैं। तो हम माई ड्राइव में आते हैं या न्यू पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम एक नया स्प्रेडशीट बनाने जा रहे हैं आपके साथ। तो यहाँ हम बात करेंगे गूगल शीट्स के बारे में। अब गूगल शीट में ड्राइव के जरिए, गूगल शीट ही नहीं, गूगल डॉक्स हो गया, गूगल स्लाइड हो गया, गूगल फॉर्म हो गया, गूगल आपके पास ऐप स्क्रिप्ट हो गए, टेक्स्ट एडिटर हो गया। तो गूगल का पूरा एक पूरा गूगल सीट कहलाता है। जैसे यहाँ एमएस ऑफिस कहलाता है, ऐसे ही वहाँ पे गूगल शीट कहलाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं गूगल सीट के बारे में। तो गूगल सीट पे जो हमने क्लिक किया तो एक नया फाइल आपके सामने खुल के आ गया। आप देख रहे हैं वो बिल्कुल एक्सेल की तरह है, एक्सेल 2003 का जो लुक था सेम उसी तरह से है। अब यहाँ ऊपर दिख रहा है अनटाइटल स्प्रेडशीट। अनटाइटल स्प्रेडशीट मतलब इसमें भी नाम नहीं बन रहा है, आपको सबसे पहले इसमें नाम ऐड करना होगा। तो मैंने इसमें नाम को ऐड किया, यहाँ पे मान लीजिए हमें दे दिया डेटा 1, एंटर प्रेस किया, ये हमारा डेटा सेव टू ड्राइव हो गया। यहाँ देख सकते हैं सेव टू ड्राइव हो गया। ऑफलाइन यूज करना चाहते हैं तो या टर्न ऑन करेंगे तो ऑफलाइन यूज होगा, इसके बारे में हम आगे की वीडियोज में डिस्कस करेंगे। अब आपको इसकी एक बार आर्किटेक्चर को समझ लीजिए। इसमें भी रो एंड इसमें भी कॉलन है और इसमें भी शीट्स हैं। और बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे जो है, जब इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो ये आपको 1000 सीट देता है। जी हाँ, 1000 सीट। आप यहाँ पे और भी नई शीट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप कीजिए, हमने यहाँ पे ऐड किया तो और 2000 सीट यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे एक चेंजिंग आता है कि एक्सेल की तरह आपको 1000000 शीट्स पहले नहीं देता, आप अपने हिसाब से इसको ऐड कर सकते हो। कितने ऐड कर सकते हो डिपेंड करता है आपकी स्टोरेज के ऊपर, इसकी लिमिटेशन कोई फिक्स नहीं हुई है। तो इसके बारे में फिलहाल छोड़िए, बात हम करते हैं कि इसके अंदर भी रो एंड कॉलन है। इसमें भी आप कॉलन पे क्लिक करके पूरी कॉलन को सिलेक्ट कर सकते हैं, रो पे क्लिक करके पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं और एक सेल में टाइप करेंगे, यहाँ पे भी कर्सर इस तरह से मूव होता है। तो अभी हमने बात की स्लाइसेस के, इसमें एक्सेल की माय डॉक्यूमेंट एक्सेल कैसे ओपन करेंगे। सबसे पहले हमने इस चीज पे डिस्कस किया कि ड्राइव को खोल के हम कैसे एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट करेंगे, उसका नाम कैसे देंगे और स्प्रेडशीट सेव कहाँ होती है।